हेलो दोस्तों, कैसे हो? सब भाई बहुत मस्त हो गए और स्वागत है आपका हमारी चैनल SN एडिटर पे। सो गाइस, आज हमारा वीडियो फोटोपिया से होने वाला है। एंड गाइस, फोटोपिया बेसिकली एक फोटोशॉप का वर्जन है जो मोबाइल के अंदर चलता है एंड फोटोशॉप के सारे टूल्स एंड्रॉयड के अंदर फ्री में प्रोवाइड करता है। तो फोटोपिया आपको ओपन करके दिखवा देता हूँ मैं, कैसा ओपन है। सो आप देख सकते हो फोटोपिया कुछ इस तरीके से है। एंड आपको इसको डाउनलोड करना है तो प्ले स्टोर में नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ मेरी लिंक में मिलेगा, या क्रोम में आप डाल सकते हो फोटोपिया फोटो एडिटर, सो आपको मिल जाएगा। ओके, सो जहाँ तक आप देख सकते हो इसमें सारे टूल्स अभी आपको दिख रहे होंगे। एंड इसमें मैं फ़ोटो ओपन करके दिखा दूँ तो फ़ोटो कैसे ओपन करें, इसमें आपको फाइल पर जाना है। ओके, एंड ओपन पर चला जाना है एंड यहाँ पे फाइल पे क्लिक कर देना है। सो आपकी फाइल मैनेजर या गैलरी ओपन हो जाएगी, आपको जस्ट अपनी फ़ोटो को इसमें ओपन कर लेना है। सो यहाँ पे मेरी फाइल मैनेजर ओपन हो चुकी है और मैंने एक फ़ोटो यहाँ पे ओपन कर ली है। ओके, देख सकते हो यहाँ पे एक फ़ोटो आ चुकी है। सो एक बार आपके इसमें हैंड पे क्लिक कर देना है ताकि फ़ोटो का साइज़ चेंज ना हो, तो यहाँ पे हैंड बना हुआ आपको इस पर क्लिक कर देना है। ओके, सो अब आप अपनी फ़ोटो को ऊपर नीचे जूम जूम इन जूम आउट कर सकते हो। सो आप देख सकते हो यहाँ पे सारे टूल्स फोटोशॉप वाले हैं, बहुत सारे आपको टूल्स मिल जाएंगे। अगर आपके पास लैपटॉप है या कंप्यूटर है और आपको फोटोशॉप नहीं बन रहा है, मतलब फोटोशॉप डाउनलोड करते नहीं बन रहा है, तो आप इस फोटोपिया को डाउनलोड कर सकते हो एंड सारे फोटोशॉप वाले वर्क इसमें कर सकते हो। सो यहाँ पे इसमें मैं फ़ोटो को एडिट करके आपको बताने वाला हूँ जस्ट 2 स्टेप में। सो आपको वीडियो को पूरा देख लेना है एंड बिल्कुल स्किप नहीं करना है, क्योंकि आप देख सकते हो एप्लीकेशन में बहुत सारे टूल्स हैं। अगर आप वीडियो को पूरा नहीं देखोगे तो आप वीडियो में खो जाओगे और आपको पता नहीं चलेगा क्या है वीडियो में क्या नहीं है। ओके, सो इसमें फ़ोटो को जस्ट मैं बैकग्राउंड को थोड़ी ही स्टेप में चेंज करने वाला हूँ। सो कैसे करूँ, यहाँ पर आपको राइट साइड में तीसरे नंबर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, जिसको हम बोलते हैं लेयर का ऑप्शन। सो आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब आपको नीचे और बहुत सारे ऑप्शन दिख जाएंगे यहाँ पे। अब आपको यहाँ पे नीचे अपने बहुत सारे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। सो आपको लेफ्ट साइड से थर्ड नंबर वाले ऑप्शन, लेफ्ट साइड से थर्ड नंबर वाले ऑप्शन मतलब ए, इसको आप बोलते हैं एडजस्टमेंट लेयर। ओके, सो यहाँ पे अब आपको बहुत सारे कुछ ऑप्शंस मिल जाएंगे, सिर्फ आपको किसी पर नहीं जाना है, आपको जाना है यहाँ पे चैनल मिक्सर पे। सो आपको चैनल मिक्सर पे चला जाना है। अब आपको यहाँ पे फ़ोटो को नहीं देखना है, जो मैं बता रहा हूँ आपको जस्ट उसी स्टेप को करना है। ओके, सो रेड पे क्लिक करके क्लिक कर देना है। ओके, रेड पे क्लिक करोगे सो आपको यहाँ पे ब्लू पे क्लिक कर देना है। एंड अब आपको मिलेंगे 4 कलर, रेड ग्रीन ब्लू एंड टोटल। सो आपको ग्रीन को 100 कर देना है। ओके, 100 के समथिंग। एंड आपको ब्लू को 0 कर देना है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हो चुका एंड हमारी फ़ोटो कुछ इस तरीके से बन चुकी जस्ट 1 स्टेप में, जो कि बहुत अच्छा इफेक्ट ये भी लग रहा है। अगर आपको यहाँ पे फ़ोटो परफेक्ट लग रही है तो फ़ोटो सेव कर सकते हो। सेव कैसे करें बाद में बताता हूँ। अब आपको जाना है उसी लेयर वाले ऑप्शन पे। ओके, एंड वापस जाना है अगेन आपको एडजस्टमेंट लेयर वाले ऑप्शन पे। सो इसके बाद आपको मिल जाएगा ह्यू एंड सैचुरेशन। ओके, पहले आप चैनल मिक्सर पे गए थे, इसके बाद ह्यू एंड सैचुरेशन पे आपको कर देना है। ओके, एंड गाइस, ह्यू एंड सैचुरेशन पे क्लिक करने के बाद अब आप अपनी फ़ोटो को छोटा कर सकते हो। छोटा करने के लिए आपको दो उंगली से कुछ इस तरीके से फ़ोटो को नीचे की ओर लेते आना है एंड आपकी फ़ोटो छोटी हो जाएगी कुछ इस तरीके से। ओके, और अब आपको मास्टर पे क्लिक कर देना है एंड मास्टर पे क्लिक करने के बाद आपको सियान पे क्लिक कर देना है, बिकॉज जो अभी बैकग्राउंड बना हुआ है वो सियान कलर का है। ओके, अब आप जैसे जैसे ह्यू चेंज करोगे वैसे वैसे आपको बैकग्राउंड मिलते जाएंगे। सो यहाँ पे आप देख सकते हो ह्यू चेंज कर रहा हूँ मैं और हमारा बैकग्राउंड पिंक हो गया। कुछ ह्यू को मैंने सेट किया, सो आप देख सकते हो कलर कुछ इस तरीके से हो गया। सो मैं बैकग्राउंड को रखता हूँ कुछ ए वाला ब्लू एंड सैचुरेशन को इंक्रीज कर दूंगा कुछ इतना एंड लाइटनेस को थोड़ा सा डिक्रीज करूंगा। ओके, अब आप देख सकते हो मेरे फेस पे थोड़ा सा रेड कलर है, इसको रिमूव करने के लिए आपको सियान पे क्लिक कर देना है, रेड पे क्लिक कर देना है एंड इसकी लाइटनेस को इंक्रीज कर देना है थोड़ा सा, सैचुरेशन को थोड़ा डिक्रीज कर देना है, ह्यू को थोड़ा सा इंक्रीज कर देना है,
जस्ट इससे आपके फेस पे एक अच्छा सा येलो कलर आ जाएगा जो कि देखने में बहुत ही अमेजिंग लग रहा है। आप देख सकते हो फोटो जस्ट टू स्टेप में मेरी बन चुकी है, एकदम अमेजिंग लग रही है। सो फोटोपी एप्लीकेशन बहुत अच्छा एप्लीकेशन है, इसको डाउनलोड करना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब फोटो सेव कैसे करें, फोटो सेव करने के लिए आपको वापस फाइल वाले ऑप्शन पर जाना है एंड यहाँ पे मिल जाएगा एक्सपर्ट एस का, जस्ट आपको एक्सपर्ट एस पे क्लिक कर देना है। ऑप्शन मिल जाएंगे बहुत सारे फॉर्मेट फ़ोटो के, सो आपको जेपीजी पे क्लिक कर लेना है ओके एंड आपको इसकी क्लियरिटी को फुल करके फ़ोटो को सेव कर देना है। सो हमारी फ़ोटो सेव हो जाएगी एंड फुल एचडी में सेव होगी। सो गाइस कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बता देना, और भी फोटोपिया के वीडियो चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक आप उनको देख सकते हो। सो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।